चलिए फ्रेंड्स, कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा टॉपिक डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव में मैंने बेसिक आपको पढ़ा दिया था, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। देखिए जी, पहला सर स्केलर रूल। अगर हमें डेरिवेटिव करना है कांस्टेंट और साथ में अगर कोई फंक्शन है तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और फंक्शन का हम डेरिवेटिव करेंगे स्केलर रूल, क्योंकि खाली स्केलर का डेरिवेटिव जीरो होता है, लेकिन अगर स्केलर के साथ कोई वेरिएबल आ जाए तो स्केलर बाहर हो जाएगा और वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा। सम एंड सब्ट्रैक्शन रूल, अगर दो फंक्शन का डेरिवेटिव करना है बीच में प्लस या माइनस है तो हम दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव कर सकते हैं। सम एंड सब्ट्रैक्शन रूल, 11th की कहानी चल रही है सर ये सारी। प्रोडक्ट, अगर हमें डेरिवेटिव करना है दो फंक्शन जो आपस में मल्टीप्लाई हैं, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। जैसे ये दो थे, अगर इस तरह से एफ जी एस तीन अगर हो जाते हैं तो सर एफ जी एच एफ जी एच एफ जी एच, एक बार एच का डेरिवेटिव, जी का डेरिवेटिव और एक बार एफ का डेरिवेटिव, वही तो प्रोडक्ट रूल है। जैसे मर्जी कर ले, जैसे तेरा मन करे, तीन है ना, एक बार एक का डेरिवेटिव, एक बार दूसरे का डेरिवेटिव, एक बार तीसरे का डेरिवेटिव, बाकी दो फंक्शन है। आगे पीछे से क्या फर्क पड़ेगा, अभी जो प्लस ही तो है। ठीक हो गया जी, क्वेश्चन टू सर, अगर हमें डेरिवेटिव करना है नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे एज इट इज एफ का डेरिवेटिव, एफ एज इट इज जी का डेरिवेटिव, ये तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, जी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एफ डी बाई डी एक्स वही की बात। ठीक है जी, सर एक बार फिर समझा दो, मैं थोड़ा लेट आया था। बेटा 11th के रूल है, कुछ कोई कहानी चेंज नहीं है, सेम 11th की कहानी। पहले वो स्केलर रूल, अगर वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, वेरिएबल का डेरिवेटिव। सम ऑफ सब्ट्रैक्शन रूल, दो फंक्शन प्लस माइनस में डेरिवेटिव है तो पहले का डेरिवेटिव प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, दूसरे का डेरिवेटिव। प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन है दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा फंक्शन है पहले का डेरिवेटिव, अगर तीन है तो एक बार तीसरे का, एक बार दूसरे का, पहले का डेरिवेटिव। क्वेश्चन डिवीजन रूल, नीचे वाले का डिनोमेटर का स्क्वायर, डिनोमेटर एज इट इज ऊपर वाले का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर का माइनस एफ एज इट इज और नीचे डिनोमेटर का डेरिवेटिव,
इसमें आप आगे पीछे नहीं कर सकते क्योंकि माइनस का सिंबल है अभी, ठीक हो गया? अभी ये इलेवंथ का चल रहा है, कुछ नया नहीं है सर, ठीक है जी। चलिए जी, कुछ क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूँ, जरा स्पीड दिखाना दीजिएगा। y इज इक्वल टू, कोशिश करना आप इसमें अटर पे डिस्कस ना करें आप किसी से, x की पावर 9 बाय 2 प्लस 1 बाय x की पावर 5। चलिए जी, अब करें सर। सर पहले वाले का डी वाई बाय डी एक्स, पावर नीचे, पावर में एक कम, 9/2 -1, ये एक्स की पावर ऊपर गया तो -5 हो गई, तो सर -5 नीचे, -5 -1। यहाँ पे भी बेस का डेरिवेटिव 1 है, एक्स का 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी बेस का डेरिवेटिव 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे पावर भी एक्सटेंड हो जाएगा, 9/2 x 7/2, ठीक है जी, -5 x की पावर 6 आंसर, ठीक हो गया जी। कितनों का ठीक है जी रिजल्ट? सर 1/2 है कि 9/2? 9/2 है, सो अभी पावर में दिया हुआ है x की, सॉरी x की पावर में दिया हुआ है, 9/2 है ना सर? ये 9/2 -1 है, ये 7/2 है। ओके सर, हाँ जी, अभी भी गलत हो गया था बच्चों का, बाकी होगा। चलिए जी सेकंड सर, बोलिए सर आगे बोलिए। नहीं नहीं सर हो गया। डी वाई बाई डी एक्स, sin x का डेरिवेटिव cos x का माइनस sin x, किस किसका ठीक है? हाथ नीचे, किसका गलत है, क्या गलती कर दी, क्या नहीं आया वही तो पूछ रहा हूँ सर, आप बताओ मुझे। ना sin x का डेरिवेटिव cos x होता नहीं मालूम आपको, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता नहीं मालूम आपको, फिर कैसे गलती हो गई? कर बेटा कर, लास्ट मोमेंट है हमारे पास, ठीक है? मैं तो करा रहा हूँ ये 11th का रिवाइज। y is equal to 1, dy by dx 0, थर्ड किस किसका ठीक है जी? tan x cot x 1 होता है, 1 का डेरिवेटिव 0, किस किसका ठीक है? क्या मजाक चल रहा है, है? पूरी क्लास में किसी का ठीक नहीं है, किसके प्रोडक्ट रूल भाई, tan x cot x 1 नहीं होता, हम्म? अगर मैं आपसे पूछ लूं, मान लो घुमा के क्वेश्चन में, कि आप अपनी मम्मी के हस्बैंड को किस प्रकार से नमस्ते करोगे, तो आप वही तो बोलोगे जी, पापा नमस्ते, जो भी आप बोलते हो, डैडी नमस्ते, जो भी बोलते हो आप वो बोलोगे ना, या आप ये कहोगे जी हम ये बोलेंगे जी मम्मी के हस्बैंड नमस्ते, इतना बोलोगे आप? और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, जो 11th से पढ़ेगा मेरे से वो कैसे कच्चा था, 11th में मैंने कच्चा दिया था आप लोगों को, 11th में भी आप लोग इस तरह से कंफ्यूज हुए थे, तो दोबारा क्लास में कैसे कंफ्यूज हो गया? चलिए जी, हाँ जी, y इक्वल टू x sin x, dy by dx, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, sin x का डेरिवेटिव, sin x एज इट इज, x का डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव cos x, x का डेरिवेटिव 1 लिखने के, हाँ
हाँ जी, किस किसका ठीक है? हाथ नीचे, किसका गलत है? अब इसमें क्या हो गया? हाँ जी, अगला जी, y इज इक्वल टू साइन एक्स x, y इज इक्वल टू साइन एक्स कोस एक्स। 11th में मैंने बोला था आपको कि जिसका डेरिवेटिव आपको करना है, अगर वो सोल्व हो रहा है तो पहले सोल्व करिए फिर डेरिवेटिव करिए, ठीक है जी। dy बाई डी एक्स साइन एक्स एज इज, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, कोस एक्स एज इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। सर एक बार इसका दूसरे मेथड से भी बता। दूसरे मेथड से अब तुम कहो जी मैं साइन एक्स अपॉन सेकंड में क्वेश्चन टूल लगाऊंगा तो मुझे हजम थोड़ी ना होगी, ऊपर आप इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करोगे? एक रीजन तो दोगे ना, कॉम्प्लिकेट क्यों करोगे भाई? ये किस किसका ठीक है जी? मन कर रहा था बस फिर मेरे को एक रीजन तो दोगे ना आप भाई, आपकी सारी बात ठीक है, आप मुझे एक रीजन तो दो। 11 तो पढ़े हुए हो, अगर सॉल्व अगर बोलिए सर, बोलिए सर, हटाने को मना कर रहा था एक वो लास्ट वाला नोट। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए सर, आप लोग तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हो गया जी, हटाऊं? यस सर। हाँ जी सर, डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर एक्स सेक एक्स एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टेन एक्स, ठीक हो गया सर? सर सेक एक्स को मैंने क्या कट रहा है, ठीक है जी। तो सर ये कितना बचा? कोस एक्स माइनस साइन एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स, ठीक है जी। सर कोस एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस एक्स वन अपॉन कोस एक्स, ठीक हो गया जी। एलसीएम लिया सर, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस एक्स वन अपॉन कोस एक्स कोस स्क्वायर। अब बोलिए सर आप क्या कह रहे हैं, क्यों छोड़ोगे जब सोल्व हो रहा है तो? आपको 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ाई गई? आपको 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ाई गई? सोल्व करना सिखाया गया ना आपको 10th 11th में? तो अगर कोई चीज सोल्व हो रही है तो आप क्यों छोड़ोगे ये बताइए ना मुझे। नहीं हो रही मान लेता हूं, अगर हो रही है तो फिर आप कैसे छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हो गया सर, तो अब बात को समझिए सर, ये कौन सी डेरिवेटिव है सर? 11th की डेरिवेटिव है, इसकी डेरिवेटिव है 11th की। मैंने फिर भी आपको सारा कॉन्सेप्ट समझा दिए, क्वेश्चन करा दिए। अब आप बताइए सर, मैं आगे चलूं और क्वेश्चन कराऊंगी, आगे चलूं? कोई ये तो नहीं कह रहा सर 11th के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कराइए? अभी तो सब सुनने को तैयार हूं जी, सब कह रहे हैं आगे चलूं, करा दूं। कौन कह रहा है जी करा दो प्रैक्टिस? आवाज आई एक बार, दोबारा नहीं बोल रहा जी कोई। अरे प्यार से ही पूछ रहा हूँ, गुस्से में नहीं पूछ रहा। आगे चलो, एक दो और करवा दूं। ठीक है, क्रेजी अटेम्प्ट। चेक करूं? चलिए जी, पहले वाले का सर, डिवाइड पावर नीचे टू
साइन 10 क्यूब है, पावर का कर दिया, वन लिखने की जरूरत नहीं है। पावर के बाद बेस, बेस पावर को छुपा दीजिए सर, साइन 10 क्यूबिट्स, ये एज इट इज साइन एक्स कोस एक्स कॉस, सॉरी कोने का दिख नहीं रहा सर, हाँ सर साइन का कॉस टेन क्यूब एक्स, फिर उसके बाद एंगल टेन क्यूब एक्स, फिर यहां तक एज इट इज टेन क्यूब एक्स, फिर पावर बेस एंगल, पावर नीचे, पावर में एक कम, पावर के बाद बेस, बेस क्या है टेन एक्स, अब यहां तक एज इट इज टेन एक्स का एक्स स्क्वायर एक्स, बेस के बाद एंगल, यहां तक ये वन होता है, बोले चलो ठीक है, किस किस का ठीक है जी, केवल एक दो तीन चार पांच छ सात, केवल सात, केवल सात स्टूडेंट्स का ठीक है, और स्टूडेंट मैक्सिमम कह रहे हैं मुझे आगे चलने को, जब ट्वेल्थ का डेलिटी करोगे वो तो कहेंगे आपको आता है ये सब कुछ, ये नहीं है तो ट्वेल्थ का डेलिटी कैसे करोगे आप, हटाऊं एक सेकंड से, चलिए जी अगला जी, ये वाला सर डिवाइड इज पावर नीचे, पावर में एक कम, पावर क्या बेस, पावर को छुपा दीजिए, ठीक हो गया सर, ये एज इट इज टेन एक्स का टेन एक्स सेक्स का एक्स, बेस के बाद एंगल, डीवाई 100 एज इट इज सेक्स स्क्वायर एक्स, फिर पावर बेस एंगल टू नीचे सेक एक्स, फिर बेस सेक एक्स, यहां तक एज इट इज सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, इसके बाद एंगल एक्स जो वन हो जाएगा, अब इसको जो सिंपलीफाइड मल्टीप्लाई हो रहा हो कर लेना सी, ठीक है जी, किस किस का ठीक है, मेरा हाथ खड़ा करिए जी ऑनलाइन वाले से, बाकी भी हाथ खड़ा करिए प्रॉपर, सुन से गलत हो रहे हैं इसको, उनको हटाऊं जी सर, बस एक डाउट है, बोलिए ना सर, इसमें जो ये लास्ट में अपने d by dx x का कर रहा है सर, ये मतलब जैसे भी स्टार्टिंग में तो मेंशन कर रहे हैं पर ये बाद में हर क्वेश्चन में मेंशन नहीं 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 करना, मेंशन नहीं करना सर, ठीक है तो मैं कांसेप्ट सिखा रहा हूं ना, चलिए जी ये वाला सर dy / dx क्वेश्चन 2 x + 2 का होल स्क्वायर x + 2 एज इट इज dx of x plus 1 minus x plus 1 dx of x plus 2 x plus 2 x plus x ka 1 1 ka 0 x plus 1 1 2 ka 0 मल्टीप्लाई करा सर एक्स प्लस टू किस किस का ठीक है, मतलब आप मेरी बात को समझिए,
मैंने तो आपको 11th का डेरिवेटिव फिर से पढ़ा दिया, देखिए आप बताइए ये तो गया 11th के डेरिवेटिव में, मैं तो सारा दोबारा पढ़ा दिया आपको, अब करना आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि जब 12th का डेरिवेटिव कर रहे होंगे तो वो ये मान के चलेगा 11th का डेरिवेटिव हमें आता है। तो 11th के डेरिवेटिव के नाम पे आप ये मानिए एनसीईआरटी में केवल और केवल एक एक्सरसाइज है 5.2, और 5.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 9th और 10th जो है वो भी चेकआउट डिफरेंशिएबिलिटी है, जो भी आपको नहीं करना मैं सबसे लास्ट में करूंगा। यानी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.2 में 9th और 10th क्वेश्चन को छोड़ के यानी आपको 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। बोले सर क्लियर होती है मेरी बात, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन? गुड। चलिए अब यहां से आप कह सकते हो सर 12th के मैथ्स का डेरिवेटिव का नया सेक्शन स्टार्ट हो रहा है इंप्लिसिट फंक्शन। अब एक्सप्लिसिट फंक्शन की कहानी क्या है सर, आपको y इज इक्वल टू समथिंग दे रखा होता था कि यानी लेफ्ट में y होता था और राइट में साइड टर्म्स आपके x या t किसी और चीज में होती थी, तो वो हो गया आपका एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या मेरी बात समझ आ रही है, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन? अब इंप्लिसिट फंक्शन में क्या होगा, वाई और एक्स की एक खिचड़ी होगी सर, और तब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा हमें गिवन है सर क्वेश्चन में एक्स क्यू स्क्वायर अपॉन ए क्यू स्क्वायर वाई क्यू स्क्वायर अपॉन बी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कुछ याद आया क्या हुआ, याद आया कौन सी किसकी फॉर्म है, एलिप्स की इक्वेशन हो गई सर। अब उसने ये आपसे बोला कि इफ अब वो कह रहा है कि इफ ये है तो देन फाइंड करिए डी बाय बाई डी हो गया जी, कहानी तो वही है डी बाई डी निकालने की। अब जरा ध्यान से देखिए सर, सर 1 बाय ए स्क्वायर स्केलर का भार हो गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, सर यहां पे लिखना पड़ेगा सर मैं डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट भार, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 1 बाय बी का स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर, वाई स्क्वायर का 2y, फिर पावर के बाद बेस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, 1 का डेरिवेटिव 0 कॉन्स्टेंट। बताइए सर समझ आ रही बात, तो यहां मैंने डी बाई डी एक्स नहीं लिखा तो एक्स डेरिवेटिव 1 होता है, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ बेस वाई सर वो तो 1 0 नहीं होगा ना सर, कॉन्स्टेंट बार नहीं होता, आपको ये जो दे रखा है आप इसे 1 बाय ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 बाय अरे या बी स्क्वायर काउंट हो गया बी स्क्वायर वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ये लिख सकते हो ना सर, जब आप ये लिख सकते हो तो 1 बाय ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है बाहर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करिए, 1 बाय बी स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करिए, 1 का डेरिवेटिव 0। अब बोलिए सर ठीक हो गया, ठीक है तो इसे क्या बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, क्योंकि y x के टर्म में नहीं है यहाँ। अब सर सर 2 कॉमन लेके कट गया बाहर हो गया, क्या बचा 1 बाय ए का स्क्वायर x है, 1 बाय बी का स्क्वायर y, ये हो गया y का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। निकालना क्या सर डी वाई बाई डी एक्स, बाकी टर्म को वहां ले जाऊं तो y अपॉन में बी का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स अपॉन में ए का स्क्वायर, ठीक हो गया जी, मैं समझा नहीं। चलिए सर वेरिएबल वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का बताइए सर, क्या तरीका बताया मैंने आपको, बोलिए अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है इसका मैंने क्या रूल बताया है, पी बी, बोलिए 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 सर चुप मत हुआ करिए बस बोला करिए, बोलिए ये बोला है हाँ सर, तो जब y का स्क्वायर का आप डेरिवेटिव करोगे तो पावर नीचे पावर में एक कम पावर, पावर क्या डेरिवेटिव करोगे बेस का, तो डी बाई डी एक्स बेस क्या समझाया था मैंने, पावर को छुपा दो बेस निकल जाएगा, वही तो लिखा था मैंने, कहाँ एक्स लिखा है सर, अभी आप ये पूछ रहे हो कुछ क्या पूछ रहे हो आप, तो वो तो 1 हो जाएगा ना, इसलिए लिखा d by dx of x 1 होता है ना, फिर इसलिए अब लेवल बढ़ रहे हैं भाई, जब हमें बता d by dx of x 1 होता है तो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है,
योर चॉइस, आप लिखना चाहो लिख लो, वो भी आपकी चॉइस है, ठीक हो गया। चलिए बोलते क्या हो, दोबारा बोलिए साफ साफ क्या कह रहे हैं आप। किसी को सुना रहा है रिया, क्या पूछ रही है बेटा ऑनलाइन में, किसी को सुन रहा है वो क्या पूछ रही है? नो सर। रिया नहीं सुन रहा बेटा, आप क्या पूछ रहे हो? आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है। डीआरडी से निकालना है, डीआरडी को एक तरफ छोड़ा, बाकी सेटम को उधर लेके जी, क्योंकि मेरा टारगेट डीआरडी से सर। अब देखिए जी, डीवाई बाई डीएक्स माइनस बी ऊपर गया, एक्स उधर गया, यानी एक्स अपॉन वाई बी अपॉन ए का होल स्क्वायर डॉट इधर, ठीक हो गया सर? ठीक हो गया जी, आई बात सुन सर, किस किस का ठीक है जी? एक दो तीन चार पांच, हाँ एक ही बात है, वो एक ही बात है, वो तो प्रेजेंटेशन है सर, उसमें क्या होगा, वो कुछ गलत नहीं है। इम्प्लिसिट फंक्शन आया, क्या होगा इम्प्लिसिट फंक्शन? क्लियर हुआ? ये अब प्रोजेक्ट के अंदर शुरू हुआ है सर, नया गाना, ठीक हो गया सर? वो हमने इसको जीरो के इक्वल क्यों पुट करा था, इस इक्वेशन को जीरो के इक्वल क्यों पुट किया था सर? मतलब जो आपने डिफरेंशिएशन जहां से आपने चालू करी है, आपने उसको जीरो के इक्वल पुट कर दिया। नहीं सर, जैसे आपको मतलब वैसे कर दूंगा सर, अगर आप कहो, आप कहोगे कि वन का डेरिवेटिव जीरो नहीं होता तो मैं कुछ और लिख दूंगा, जो आप कहोगे मैं तो वो लिख दूंगा। ठीक है सर, कंफ्यूज हो सर, अब आवाज आ रही है। इफ ये देन फाइंड डिवाइडिक्स निकालिए, शुरू देखूं। हाँ जी सर, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, x स्क्वायर का सर 2x पावर का, बेस का स्क्वायर रूट 1 लिखने की जरूरत नहीं है, y स्क्वायर का 2y पावर का, पावर क्या बेस, बेस क्या होगा dy / dx इज इक्वल टू xy, प्रोडक्ट रूल x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy / dx, y एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, ठीक हो गया जी? अब निकालना है क्या dy / dx, तो आप 2y dy / dx इस तरफ, ये वाला माइनस x dy / dx इस तरफ, y अब ये टर्म उधर गई माइनस 2x, क्योंकि जो हमारा टारगेट है वो क्या है dy / dx निकालने का, तो सर 2y माइनस x dy / dx, dy / dx कॉमन ले लिया, y माइनस 2x, तो dy / dx y माइनस 2x 2y माइनस x, किस किस का ठीक है? हाँ जी सर, बताइए इस क्वेश्चन में क्या था ऐसा जो आपसे गलत हुआ, बोलिए सर। मैं बहुत गंदे वाली पटाई करूंगा, मैं पूछ रहा हूँ आपने क्या गलत करा इसमें, ये जानना चाह रहा हूँ। वाई कहाँ पे वाई का डेरिवेटिव है सर? अब आप ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि तुम्हारी गलती नहीं होगी, बैठ जाइए, अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना सर अगली क्लास के अंदर, नहीं तो अगर मुझे गुस्सा आ गया तो फिर मैं दिन में तारे भी दिखाने शुरू कर दूंगा सबको, पूरी क्लास को दिखाने शुरू कर दूंगा, ये ध्यान रखना सर पूरा। अगर आपको ये नहीं आता तो आप समझ लेना ट्वेल्थ का मैथ्स आपको नहीं आएगा, एट एनी कॉस्ट नहीं आएगा आपको ट्वेल्थ का मैथ्स, अगर आपको ये नहीं आएगा, पूरी कैलकुलस इसी पर बेस है सर, तो इसलिए ये ना हो अगली क्लास में आप मुझे मुस्कुराते हुए नजर आए और कहें जी सर जी हम तो हमने तो काम नहीं किया सर, एक्सेप्ट नहीं होगा सर बिल्कुल भी, किसी भी हालत में एक्सेप्टेबल नहीं होगा जी। मैडम होना नहीं चाहिए, मैडम इलेवंथ का कंसेप्ट है, गलती नहीं होनी चाहिए, बैठिए जी। जी पता नहीं क्यों ऐसा गड़बड़ कर रहे हो आप जी, जी सर इतना तेज बोलोगे मेरे पास आवाज आए,
क्या गलत हुआ वही तो बताओगे आप भी, y माइनस टू एक्स है यहां तक ठीक है, ये पूरी लाइन ठीक है जी 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 डेरिवेटिव नहीं करा, एच डी चलने दिया, बहुत बढ़िया जी, प्रोडक्ट रूल गलत हो गया। आप मान लो सारी गलती 11th क्लास की है, मतलब 12th का कुछ कंसेप्ट नहीं है इसके अंदर, प्रोडक्ट रूल तो 11th क्लास का ही है, तीन जने बात करने के बाद भी नहीं बैठ रहे हैं पता नहीं जी जी, अभी भी नहीं आया, ये कैसे करी, क्यों ये ले कर ले, अब कर ले, अब क्या हो गया, आपको डेरिवेटिव एक्स वाई का करना है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, क्या कहा था पहला एजरीज दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा एजरीज पहले का डेरिवेटिव, गलत बोल रहा हूं तो बताओ, तो सर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डी बाई डी एक्स नहीं होता, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन नहीं होता, आप जो बोलो फिर जो कहो वो कर देता हूं, बोलिए चलिए जी अगला क्वेश्चन करिए, स्टॉप राइटिंग या परमिशन नहीं होगी लिखने की, हाँ जी सर डिफरेंशियल वाले ने लिखना, वन वाई का डीवाई बाई डी एक्स कॉस पाई कॉन्स्टेंट है जीरो डीवाई बाई डी एक्स माइनस वन आपको, हाँ जी जिनके जो आप ठीक आंसर खड़ा करें, कसम में 12th क्लास की हाथ नीचे करिए, जिनका जवाब गलत है वो हाथ खड़ा करें, सबका ठीक है, हाँ जी ऑनलाइन में सबका जवाब ठीक है, ऑनलाइन में हाथ खड़ा करें इनका जवाब ठीक है, यानी अभी भी निकुंज का और रिया का आंसर गलत है, चलिए जी चॉइस आपकी है, अगला करिए जी, चलिए जी आंसर में सर डिफरेंशिएट लिख दीजिए पहले, वाई का डी वाई बाई डी एक्स कोस वाई का डेरिवेटिव माइनस साइन वाई एंगल का डी वाई बाई डी एक्स एक्स का डेरिवेटिव वन वन माइनस साइन वाई डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया इज इक्वल टू वन डी वाई बाई डी एक्स वन अपॉन वन माइनस साइन वाई, किस किस का ठीक है जी, ट्वेल्थ क्लास की कसम चल रही है जी, हाथ नीचे किस किस का गलत है, करिए क्वेश्चन, चलिए जी पहले लिख देना सर डिफरेंशिएट, वाई का डी वाई बाई डी एक्स कोस वाई का माइनस साइन वाई साइन एक्स प्लस साइन एक्स वाई बेस का हो गया बेस के बाद एंगल डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई वन का डेरिवेटिव जीरो डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल एक्स एज इट इज वाई का डेरिवेटिव वाई एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव, अभी थोड़ी देर पहले भी करा था हमने ये डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई करा सर एक्स साइन एक्स वाई डी वाई डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, एक बार इससे मल्टीप्लाई एक बार उससे मल्टीप्लाई, अब सर हमें करना क्या डी वाई डी एक्स निकालना है सर, तो डी वाई डी एक्स की टर्म एक तो ये है और एक ये है माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स ये टर्म नहीं है उधर चली गई वाई साइन
एक्स वाई डिवाइडेड वाई साइन एक्स वाई अपॉन में वन माइनस साइन एक्स वाई किस किस का ठीक है सर? बड़ा इजी था, बड़ा इजी था। यहाँ का क्लास में आके देख सर एक बार थर्ड लास्ट स्टेप से फिर से। हाँ जी सर, क्या गलती हो गई है? मतलब मुझे पता चले किस लिए इतनी जल्दबाजी? सबसे पहले आपने बोला मेरा हो गया पूरी क्लास में, ना ऑनलाइन में किसने बोला ना यहाँ किसने बोला, सबसे पहले आपने बोला इसलिए इतनी जल्दबाजी। जी सर एक्सेप्टेबल है फिर जी? ऐसा क्यों? तो मैं तो मेरे से तो पहले मैंने अगर यहाँ से स्टार्ट किया तुम यहाँ पर पहुंच गए तुम तो मेरे से आगे भागोगे जी? कोई एक्सेप्टेबल नहीं सकता जी सर, क्यों बताओ ना मुझे पता चले क्या कंफ्यूजन। हाँ जी हाँ जी 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 हाँ जी 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 बैठिए। कुछ आ रहा है समझ में? कितनी मेहनत करनी है ये समझ आ रहा है? मतलब मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूं, अगर आप लोगों ने अब मेहनत नहीं करी तो ट्वेल्थ का मैं भूल जाऊंगा, ट्वेल्थ का मैं सबके कंट्रोल में नहीं आएगा। कुछ आ रहा है समझ में? यही सबका रूट है सर, डेरिवेटिव एप्लीकेशन डेरिवेटिव में यही इस्तेमाल होना है, इंटीग्रेशन में सीधा ही इस्तेमाल होना है, सब कुछ अब यही इस्तेमाल होना है। समझ आ रही मेरी बात या नहीं आ रही? आपकी एक्सरसाइज जो है 5.2 में मैंने बता दिया, क्वेश्चन नंबर 9th और 10th अभी आप छोड़ रहे हैं, इसमें चेक और डिफरेंशिएबिलिटी है ठीक है जी। उसके बाद आप पेज नंबर 167 पे क्वेश्चन एग्जांपल 24 एग्जांपल 25 ये आप कर रहे हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 5.3 में आप 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन कर रहे हैं जी। अब कहने को तो सर मैं आपको पूरी 5.3 दे सकता हूं, जिनको लगता है वो इंटेलिजेंट है दे कैन अटेम्प्ट, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपको करा चुका हूं सारी, तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के ही क्वेश्चन है सब सारे, तो इन्वर्स ट्रिग को पहले सॉल्व करना है और उसके बाद उसका क्या करना है डेरिवेटिव करना है। लेकिन अभी डेरिवेटिव मैंने उसके इन्वर्स ट्रिग को सिखाए नहीं आपको कि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, पहले मैं वो सिखाऊंगा, इसलिए मैंने भी आपको ये काम नहीं दिया है। तो मैंने भी आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक दिया जी। एग्जाम्पल 24 अटेम्प्ट कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं ठीक है जी। अभी बस सुनिए जी, तो ये आप अटेम्प्ट करिए और ध्यान करना जी, नाउ यू हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि 11th का डेरिवेटिव जितना भी है कंप्लीटली रिवाइज कर लीजिए सर, उसके बगैर काम नहीं चलेगा सर उसके। हैं जी सर